के दरबार में पहुंचा। हाकिम ने सामने इससे कहा कि अदि इनका नाम बताया है तारीख ने, इनके तीन बेटे थे, तुरफा, तारीफ, तरीफ, मर्तबा। हाकिम शाम ने कहा कि ए अदि, ऐन तरफात, तुम्हारे बेटे क्या हुए, तरीफ, तुरफा, तारीफ क्या हुए? तो इसने कहा अली के साथ जंगे सिफीन में मारे गए। ठीक। अब हाकिम शाम ने कहा कि अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। इसने कहा कि कैसे, का अपने बेटे हसन हुसैन को बचा लिया और तुम्हारे बेटे तुरफा तारीफ तारीफ को कुर्बान कर दिया, कत्ल कर दिया। अब अति का जुमला सुनिए, कितनी अजीम बात कहते हैं। ए हाकिम शाम, बात ये नहीं है कि अली ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि हकीकत यह है कि मैंने अली के साथ इंसाफ नहीं किया। कहा वजह क्या है? कहा वजह यह है कि वो जो है दुनिया से दारे पानी से दारे बका को चले गए, शहादत पा गए, और मैं आज तक जिंदा हूं। होना तो ये चाहिए था, अरे मैं दुनिया का बेवस हो जाता और अली जैसी जात जिंदा रहती। जिंदगी तो अली का हाथ है। इस एतबार से फिक्र शऊर मोहब्बत, जब मोहब्बत पैदा होती है तो करबला करबला बन जाती है। कोई एक को बताइए जिसने अपने मौला की मुखालिफत की हो। नहीं मौला, आप ऐसे नहीं कह रहे, हम पहले नहीं, हम बाद में जाएंगे। जिसको जो कह दिया वो उसी वक्त तैयार हुआ और मौला के हुक्म पर कुर्बान हो गया, और मौला के हुक्म पर कुर्बान होने के बाद करबला ने आज तक अपनी तारीख का जो असर छोड़ा है। देखिए, अपना सगा बाप भी मर जाता है तो आधा घंटा रोना दुश्वार हो जाता है, आधे घंटे के बाद आंसू नहीं निकलते, मगर मैं लफ्जों में नहीं कह सकता हुसैन की मजलूमियत में कितना रुका छुपा हुआ है। नाम आता है और अश्क आंखें अश्क बार हो जाती है, आंखों से अश्क अज़ा शुरू हो जाते हैं। न जाने जालिमों ने कितना जुल्म किया है। तारीख जुल्म तहरीर करती है। तारीख में मिलता है कि एक शख्स जिस पर अजाब तारीख हो रहा था, किसी ने उससे मालूम कर लिया कि भाई इतने शदीद अजाब में क्यों मुबतला हो, सोचो हुसैन पे कितना गम और कितना मसाइल पड़े हैं। मतलब ये शख्स कहता है भाई ना पूछो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, ना पूछो कि मैं क्यों इस मजलूम इस अजाब में मुबतला हूं। कहा नहीं, बता दीजिए मामला क्या था। कहा मामला ये था, जब फौजे अशकिया जालिम हुसैन के कपड़े उतार के उन्हें कत्ल कर दिए और हुसैन के कपड़े उतार लिए, हुसैन के पहने हुए कपड़े भी इन जालिमों ने उतार लिए, और उसके बाद मैं सबसे आखिर में करबला में आया, मेरी निगाह पड़ी कि हुसैन के बदन पे कपड़े तो नहीं है मगर हुसैन के हाथ में एक अंगूठी मौजूद है। मेरी निगाह पड़ी, मैं अंगूठी उतारना चाहता था मगर मैयत की वजह से, अरे अंगूठी ना उतर सकी, मैंने खंजर निकाला, हुसैन की उंगली को कटा किया, उसका अजाब आए जालिम। अरे मैयत के साथ में उर्वत ही नहीं की जा सकती, तूने हुसैन नवाजाए रसूल के साथ क्या करे रोजगार हालों की परेशानियों को दूर कर, जहाँ जहाँ इंसान आबाद है, जान की माल की इज्जत की आबरू की हिफाजत। हम मजलिस से बहुत ज्यादा ना करें, सही मजलिस से बर्पा करने की तौफीक ही ना दें। एक कदम सही, एक कदम भी उठता है तो वो अपना निशान छोड़ देता है, गलत हजारों कदम उठते हैं वे निशान होते हैं। मालिक मजलिस चाहे एक ही हो मगर वो कायनात में कयामत तक के लिए निशान बन जाए। हमारे आका और मौला ने कबूल किया, हमें उनकी आवाज़ और साथ में शुमार किया।